जब आप सेपरेट काम कर रहे होते हैं, यानी कि आपने ये प्रोजेक्ट कंप्लीट कर लिया है और आपने फाइनल क्लाइंट को देना है, तो वो अब मैं आपको बता चुका हूँ कि आप इसको एक्सपोर्ट करते हैं, ठीक है। लेकिन जब आप डेवलपमेंट कर रहे होते हैं तो ड्यूरिंग डेवलपमेंट ये चीज़ टॉम कैट के अंदर सेव नहीं होती, यानी टॉम कैट 9 वेब एप्स में सेव नहीं होती, बल्कि क्या होता है, ये आपकी जो इक्लिप्स आईडीई है ये इसको अपने पास कहीं और लोकेशन पे सेव करता है। वो लोकेशन देखने के लिए आप जाते हैं डीबग कॉन्फ़िगरेशन में और ये आ जाए आप आर्गुमेंट पे, तो यहाँ पे लिखा हुआ है कैटलीना डॉट बेस, ये लोकेशन है ये वाली, ठीक है। इसको कॉपी कर लें और रन पे जाएं, इसे पेस्ट करें, तो ये फाइल WT वेब एप्स के अंदर अवेलेबल होंगी। यहाँ आपका ये प्रोजेक्ट मौजूद है, ठीक है। यहाँ पे आपका ये पूरा प्रोजेक्ट डिप्लॉय हुआ है, यानी इसकी डिप्लॉयड लोकेशन है। तो मैं आपको बताना ये चाह रहा हूँ कि असल में जो आपने अभी ये JSP पेज बनाया है, ये भी सर्वलेट ही है, यानी कि जो पीछे से टॉम कैट है या जो आपके एप्लीकेशन वेब सर्वर्स हैं, वो इसको सर्वलेट बनाते हैं और फिर वो सर्वलेट ही रन होता है। हमने ये कोड किया है, ये आप गौर से देखें, ये कोड मैं अब आपको दिखाता हूँ कि क्या किया है पीछे सर्वर ने। अब आप अगर वेब आपने टॉम कैट पर डिप्लॉय की है चीज़ें, वहाँ पे भी आप जाके ये चीज़ देख सकते हैं, लेकिन ये टॉम कैट पर डायरेक्टली डिप्लॉय नहीं हुई, वरना वहाँ पे भी ये ही फोल्डर स्ट्रक्चर अवेलेबल है, वर्क वर्क का फोल्डर वर्क। तो ये है हमारा वर्क का फोल्डर इस लोकेशन पे, यहाँ पे कैटलीना लोकल होस्ट, ये फर्स्ट मेरा प्रोजेक्ट है जिसको ये खुद मैनेज कर रहा है। इस पर आप अंदर आते जाएँ, आपको ये व्यू की जावा क्लास मिल जाएगी, हमने नहीं बनाई है, व्यू अंडर स्कोर JSP डॉट जावा ये क्लास इसे मिल गई है, हमने बनाई है व्यू डॉट JSP। तो ये राइट क्लिक करें, इसको एडिट कर लें किसी भी आईडी में जावा के कोड को, और देखें ये कोड उसने खुद से लिखा है, ये वही काम कर रहा है जो काम हमने करने की कोशिश की थी। यू कैन सी दिस, ये देख लें आपको फॉर इस 100% वही काम कर रहा है जो काम हमने यहाँ पे प्रीवियसली करने की कोशिश की थी इसके अंदर। तो इनफैक्ट क्या हो रहा है, इससे क्या चीज़ साबित हुई है, इसे ये देखिए, इसने क्लास का नाम यही रखा है व्यू अंडर स्कोर JSP, एक्सटेंड कर रहा है HTTP JSP बेस से इसके अंदर। इसी तरह फिर इसने JSP सर्विस कॉल की है, ठीक है, वही सर्वलेट की जो सर्विस है वो कॉल इसने की है अपने हिसाब से, और फिर ये इसने इसको ये दिया है, कॉन्टेंट टाइप दे दिया है, सारा कुछ वही किया है जो हम प्योर सर्वलेट में करते आ रहे थे। लेकिन फ़ायदा क्या हुआ है, हमें इस चीज़ का फ़ायदा हो गया है कि हम कोडिंग JSP में कर रहे हैं, HTML और जावा का कोड लिख रहे हैं, ठीक है। हमें जावा आती है, हमने जावा का कोड HTML के साथ लिख दिया, और सर्वलेट की जो इसका जो सर्वलेट है, यानी कि जो हम इतनी मेहनत करते हैं हर चीज़ कंकैटिनेट करके यहाँ बनाते, वो आपके सर्वर ने वो चीज़, यानी कि जो टेक्नोलॉजी है JSP, उसने इस चीज़ को खुद ही हैंडल कर लिया है। तो ये आप देख सकते हैं, ये इसकी अनाटमी है कि किस तरह JSP पेज जो है वो असल में रेंडर होता है, और वो किस तरह वहाँ पे वो प्लेस किया जाता है, और वहाँ से ये चीज़ पिक की जाती है फ्रॉम एप्लीकेशन सर्वर या वेब सर्वर। आई होप ये आपको क्लियर हो गया होगा कि हम जो JSP बनाते हैं वो असल में सर्वर उसको किस तरह ट्रीट करता है और कैसे वो कौन सी टेक्नोलॉजी अंडरलेइंग वो यूज़ कर रहा होता है। सो लेट मूव टू नेक्स्ट टॉपिक।